माय गॉड, और यहाँ भी एक मोमो गर्ल है। ओ भाई ये नहीं, ये एक ही मोमो गर्ल है। ओ माय गॉड गाइस, मैं क्या करूँ, ये तो मेरे पीछे पड़ गई है। ओ शिट, कुछ करो इसका भाई, कुछ करो। ओके भाई, पर मैं मेरे को पकड़ लेगी गाइस, कुछ करना पड़ेगा मेरे को उसके साथ। आई थिंक मेरे को इसको पकड़ना पड़ेगा। माय गॉड, कुछ करना पड़ेगा गाइस। गाइस मेरे को बहुत डर लग रहा है। ओके सो गाइस, फाइनली ये मोमो गर्ल मर चुकी है। एंड ओ वाह, ये मर चुकी है भाई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है गाइस। एंड गाइस, अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। वैसे पॉपी प्ले टाइम कहाँ पर है, हम तो उसको ढूंढने के लिए आए थे ना, वैसे वो तो हमको मिली नहीं। पता नहीं गाइस वो है भी या फिर नहीं, लेकिन फिलहाल हम लोग ऐसे बाहर निकलते हैं, ये रहा पोर्टल। सो दोस्तों ये देखो हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं, हम लोग वहां से बाहर निकल चुके हैं। और ये कितनी बड़ी दीवार है, लेकिन हम लोग आ चुके हैं अपने प्यारे से वर्ल्ड के अंदर। लेकिन हमारे सामने एक और बड़ी मुसीबत है, पता नहीं इतना बड़ा अंडा किस चीज का है। आई थिंक ये अंडे की तरह कुछ शेप में दिया गया है, आई थिंक ये कुछ तो है भाई। भाई ये क्या, यहाँ से बहुत ही बड़ा उड़ता हुआ हगी बगी बाहर निकल के आ चुका है, और उसने मिनियन को पकड़ लिया है। भाई वो हंस भी रहा है, लेकिन वो मिनियन को कहाँ पे लेके जा रहा है भाई, उसको छोड़ दे हगी बगी, वो तो उसको लेके चला गया अपनी सीक्रेट केव के अंदर। अब क्या होगा भाई। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फाइनली उसी केव के अंदर, जिसके अंदर हगी बगी मेरे दोस्त को लेके चला गया है। सो मैं उसको ढूंढने के लिए आया हूँ। लेकिन गाइस मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये हगी बगी चला कहाँ गया यार, ये यहाँ से गायब कैसे हो चुका है। ओके तो हम लोग, ओ ये रहा हमारे सामने हगी बगी दोस्तों, ये देखो माय गॉड, ये तो उड़ रहा है गाइस। के पंख भी है यार, पंख पता नहीं क्यों है इसके, आई थिंक उड़ने के लिए, बट वो देखो हमारे दोस्त को लेके जा रहा है वो सामने। एंड यहाँ पे एक और हमारा दोस्त आ रहा है हमारे पास, लेकिन गाइस यहाँ पे हगी बगी उसको लेके जा रहा है, पकड़ो उसे वरना पता नहीं वो कहाँ पे लेके चला जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। जल्दी मेरे पीछे आओ फटाफट, हमको पकड़ना पड़ेगा उसे यार, वो जा रहा है, वो रहा, इसको मारो यार, पकड़ो इसको हगी बगी को। ओ हगी बगी ने मेरे दोस्त को जेल के अंदर बंद कर दिया है। एंड अब वो हमको मारने के लिए हमारे पास आ रहा है, बट रुको मैंने गन ले लिए और मैं इसको इस गन से मारने का ट्राई करता हूँ। वेट करो, ओके 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 भाई मर जा प्लीज, मर जा। ओए भाई भाई मर जा प्लीज प्लीज प्लीज, ओ माय गॉड प्लीज भाई, अब मर भी जा, बहुत देर हो चुकी है, प्लीज मर जा ब्रो, कब मरेगा तू। अबे हगी बगी के बच्चे, कब जाएगा तू यहाँ से। ओके दोस्तों मैं फाइनली हगी बगी को टपका लिया है, तो अपना काम खत्म हो चुका है। एंड गाइस हम लोग एस्केप से बहुत ही आसानी से यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, मेरे को यहाँ पे रास्ता मिल चुका है बाहर निकलने का। तो यहाँ पर देखो एलेक्स एंड ये मिनियन जो है वो दोनों यहाँ से बाहर निकल के पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, ओशन के ऊपर चलते हुए। लेकिन ये क्या लॉजिक है भाई, ये लोग कहाँ पे आ चुके हैं। अबे भाई ये कौन सी जगह है यार, ये लोग कहाँ पर आ चुके हैं। वैसे ये गोल गोल सर्कल काफी अजीब है भाई, लगता कोई आइलैंड है, बट ये काफी अजीब जगह है। माय गॉड, यहाँ पर तो पॉपी प्ले टाइम स्पॉन हो चुकी है और अब वो इनको मारने वाली है भाई पक्का। माय गॉड एलेक्स भाग लो यहाँ से, वरना तुम्हें ये पॉपी प्ले टाइम मार देगी। गाइस पता नहीं एलेक्स का क्या होने वाला है, मुझे भी नहीं पता भाई, एलेक्स तो अब मरने वाली है क्योंकि एलेक्स। और ये क्या, हमारा मिनियन कितना बड़ा हो चुका है देखो आप लोग, भाई हमारा मिनियन बहुत ही बड़ा हो चुका है और अब इन दोनों की फाइट हो रही है, कौन जीतेगा इन दोनों में से, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। गाइस फाइट तो हो रही है, ओके फाइट होने दो, फाइट होने दो भाई भाई। ओ पॉपी प्ले टाइम आराम से एकदम इजीली, ओ मिनियन मार दे इसको। ओ ये क्या, पॉपी प्ले टाइम ने मेरे मिनियन को बना दिया स्कैरी मिनियन और अब वो हम सबको मारेगा। या ओ शिट, स्कैरी मिनियन ने पॉपी प्ले टाइम को फेंक दिया पता नहीं कहाँ पे, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है यार, ये तो बहुत ही ज्यादा स्कैरी बन चुका है और अभी किसी को भी मार सकता है। एलेक्स भाग वरना तेरी जान के लाले पड़ जाएंगे, जल्दी भाग एलेक्स वरना ही तेरे को पकड़ लेगा। सो गाइस एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, एलेक्स ने ये प्रॉब्लम बनाई है यार, उसने हमारे मिनियन को बना दिया है स्कैरी मिनियन और वो यहाँ पे कभी भी आ सकता है। सो इसीलिए हम लोग पूरा प्रोटेक्ट रहेंगे पहले से ही, ताकि वो हम पे अटैक ना कर पाए। बट ये क्या है, अबे भाई हमारे एक दोस्त यहाँ गिरा हुआ पड़ा है यार, ये हमारे दोस्तों को आखिर हो क्या रहा है भाई। भाई देख कर चलो यार आराम से, यहाँ बहुत सारे गड्ढे भी है ना इसीलिए। और ये क्या, सामने से आ रही है मोमो गर्ल, अब क्या करें भाई, मैं क्या करूं गाइस, मैं क्या करूं, मेरे को बताओ प्लीज,
मेरे सामने मोमो गर्ल आ चुकी है। गाइस मैं क्या करूँ, ये मेरे को पकड़ लेगी यार। ओए कहाँ गिर गया मैं? गाइस पता नहीं मैं कहाँ गिर चुका हूँ। एंड ये देखो मैं कहाँ पे गिरा भाई, एंड मेरा हाथ टूट गया एंड मैं मर चुका हूँ। सो दोस्तों मैं रिस्पॉन हो चुका हूँ, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ? ओ हाँ मेरे को याद आ गया, मैं ऊपर से नीचे गिरा था एंड मेरा हाथ टूट चुका है। आप लोग देख सकते हो मेरा एक हाथ नहीं है, क्योंकि मेरा एक हाथ अब टूट चुका है ऊपर से गिरकर। एंड यहाँ पे हमारा एक दोस्त पड़ा हुआ है जो कि नीचे गिर गया था। ओके इसको होश आ चुका है। सो गाइस मेरा एक हाथ ही नहीं है भाई, मैं क्या करूँ यार? मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मेरा एक हाथ नहीं है। सो मैं फाइट कैसे करूँगा मॉन्स्टर से? मुझे नहीं पता यहाँ पे कितना सारा खून पड़ा हुआ है। चलो इस खून को फॉलो करते हैं और देखते हैं आखिर ये खून कहाँ तक जा रहा है एंड इसके पीछे का राज क्या है। सो लेट्स गो, चलो चेक करते हैं। एंड वेट, ये खून तो वाइस ऊपर तक जा रहा है, मेरे को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। सो दोस्तों एक घंटे तक फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एंड एक घंटे फॉलो करने के बाद हमको कुछ मिल चुका है। ये कौन सा रास्ता है? अरे वाह दोस्तों, हम लोग फाइनली यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। वाओ हम लोग अपने वर्ल्ड में आ चुके हैं गाइस। और ये क्या, ये मोमो गर्ल यहाँ पे क्या कर रही है भाई? ये दोबारा यहाँ पे आ चुकी है हमको परेशान करने के लिए। ये तो हमारे ऊपर अटैक कर रही है गाइस। और वो देखो एलिस को उसने मार दिया है और अब ये मेरे को पकड़ने के लिए मेरे पास आ रही है। जल्दी भाग रिच माइनर फटाफट भाई, कुछ करना पड़ेगा भाई। अबे शिट, अब मेरे को छोड़ दे प्लीज। शिट यार गाइस मैं गया। अबे यार ये बारिश कहाँ से होने लगी भाई? जब भी मैं बाहर निकलता हूँ ये बारिश पहले होने लगती है भाई, मतलब इस बारिश ने परेशान कर दिया। चलो घर चलते हैं एंड घर पे आराम करेंगे। ये तो मेरा घर नहीं है, तो एलेक्स का घर है। चलो अंदर चलते हैं। वेट एलेक्स तुम्हें क्या हो गया? ओ माय गॉड यार एलेक्स तुम्हें ये क्या हो गया? तुम क्या मर चुकी हो यार? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसे मारा किसने गाइस? वैसे यहाँ बहुत सारे मकड़ी के जाले जो पड़े हुए हैं, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे एलेक्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार रखा है किसी ने? क्या वो एक मकड़ी है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे जाले हैं भाई, मतलब कॉबवेब हैं बहुत सारे, आप लोग देख सकते हो गाइस। तो कॉबवेब का मतलब है कि कोई ना कोई तो मकड़ी जैसा मॉब है, मतलब जो कि जिसके बहुत सारे, मतलब जो कि मतलब ये बुनता है ना जाले वगैरह, वही कोई मॉब है। बट ऐसा कौन सा मॉब है जो कि ये मकड़ी के जाले बनाता है? ये तो सिर्फ एक ही है जो मकड़ी है, लेकिन वो हमें देख के पता लगा कि आखिर इसके अंदर है कौन। सो लेट्स गो, देखते हैं कौन है इसके अंदर भाई। हम लोग एक केव के अंदर आ चुके हैं क्योंकि ये मकड़ी के जाले यहीं पे जा रहे हैं। हम लोग इनको फॉलो करते हुए यहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। सो चलो अंदर चलते हैं। अंदर तो बहुत सारे मकड़ी के जाले हैं भाई, वो चमगादड़ भी हैं। एंड यहाँ पे कुछ होना चाहिए गाइस। वेट, ये तो ज़ॉम्बी की लाश पड़ी है यहाँ पे। माय गॉड, और ये कौन है? ये तो क्रीपर है भाई। यार गाइस यहाँ पे ये क्या हो रखा है? और ये कौन है? अब ये तो मकड़ी है। आई थिंक ये हाउस हेड है, बट ये काफी छोटी है भाई, इसको मैं मार दूंगा आराम से। गाइस यार ये तो बहुत छोटी मकड़ी थी यार, मेरे को लगता है कि इसने ये सब किया है भाई। ये तो कुछ भी था ही नहीं फिर यार। चलो निकलते हैं यहाँ से यार, हमारे साथ पोपट हो चुका है। चलो गाइस बाहर निकलते हैं, वैसे कुछ भी था नहीं है, लेकिन चलो निकलते हैं। अबे ये कौन है? इतनी बड़ी जायंट स्पाइडर, माय गॉड। चलो गाइस आज हम लोग फिशिंग करते हैं एलेक्स के साथ, और फिशिंग करने में बहुत ही मजा आता है भाई। फिशिंग करने की तो बात ही अलग है यार, बहुत ही मजा आ रहा है। एकदम शांति में बैठ के फिशिंग करो। देखो मैंने एक मछली पकड़ भी ली है एंड मछली मेरे पास काफी सारी हो चुकी है। 3, 2, 2, आई थिंक मेरे पास 7 या फिर 8 मछली हो चुकी है। चलो ऐसे अब इन्हें पका के खाते हैं, वैसे बहुत ही भूख लग रही है। सो चलो गाइस चलते हैं ऊपर, उन्हें खाने वाले हैं। भूख हमको बहुत तेज लग रही है। गाइस यहाँ मेरा घर है, तो मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। ये मेरा घर है गाइस, तो मैं अपने घर पे आ चुका हूँ। चलो अपने घर में चलते हैं। एंड गाइस एक प्रॉब्लम हो चुकी है, मुझे बहुत सारी लकड़ी की जरूरत है और मेरे पास लकड़ी बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे को लकड़ी लेने के लिए मैं बाहर आ चुका हूँ अपने घर से। एंड गाइस अभी रात हो रही है, रात मेरे को बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं बाहर आ चुका हूँ। सो मैंने यहाँ पे लकड़ी गाइस काट ली है बहुत सारी, क्योंकि मेरे को इस लकड़ी से गाइस फिश पकानी है और बिना लकड़ी के फिश तो पकने नहीं वाली। सो दोस्तों मैंने लकड़ी काट ली है। चलो लकड़ी काटने के बाद अपने घर पे चलते हैं। और भाई मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है, रात हो चुकी है, मैंने कुछ भी नहीं खाया अभी तक, मतलब सबने खा लिया होगा, मैंने सिर्फ नहीं खाया है। चलो अपनी मछली पकाते हैं। एलेक्स ने अपनी मछली पकाए खा भी ली होगी भाई।